Hi everyone, today we are going to talk about humic acid and it's written over there biostimulant. तो इससे आपको साफ क्लियर है कि humic acid जो है वो एक biostimulant है और normally जो हम market में humic acid लेते हैं उनमें वो mentioned अगर है कि कितना percentage है उसमें concentration, जैसे for example इस packing में आपने देखा कि concentration इसमें mentioned है, तो ये इसके अलावा जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक एंड अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आल्सो मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए इसका यूजेज है, आप उसको अगर सॉइल में अप्लाई करना है तो इसको आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज ए फोलियर स्प्रे। जब आप प्लांट में ऊपर से पानी देना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी आप इसको स्प्रे के तौर पे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये सीड ट्रीटमेंट और इसके और भी यूजेज हैं जो कि आपको पैक पे मेंशन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये है मल्टीप्लेक्स ब्रांड इसको कि काफ़ी फार्मर्स यूज़ करते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि 12% वेट बाय वेट जो है इसमें कंसंट्रेशन है ह्यूमिक एसिड का, तो काफ़ी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बट उसमें वो है कि वो ब्रांड कितना पॉपुलर है उसका भी इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि हम उसकी क्वालिटी को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये बेसिकली मैन्युफैक्चर होता है कर्नाटका एग्रोकेमिकल्स नाम की एक कंपनी है, उसका ये मल्टीप्लेक्स ब्रांड है और उसके बैनर के अंदर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी होता है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं बायोस्टिमुलेंट जिसमें कि ह्यूमिक एसिड एक है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स की आखिर रिक्वायरमेंट क्या होती है। होता क्या है कि कई सर्कमस्टांसेस में जब आपने प्लांट को सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कर रखा है, न्यूट्रिएंट भी उसमें आप सब पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपरली, बाकी सारे प्रैक्टिस से जो है पैकेज में आप उसको अडॉप्ट करके भी अच्छे से चल रहे हैं, फिर भी प्रोडक्टिविटी जो है प्लांट की वो नहीं आ पाती क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इस टाइप का ये प्रोडक्ट जो है ह्यूमिक एसिड बेस्ड बायोस्टिमुलेंट आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली हेल्प करता है प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी सॉइल में बट उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो उसको ये यूज़ करने में ये हेल्पफुल रहते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स। तो ये आप देख रहे हैं इसकी पैकिंग जो है, ये फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये जीवरस नाम से है, ये मल्टीप्लेक्स का जीवरस जो कि कर्नाटका एग्रो नाम की एक कंपनी है उनके द्वारा ये बनाई जाती है। तो ऐसे और भी टाइप के मार्केट्स में प्रोडक्ट्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं बायो स्टिमुलेंट्स में, उनमें कैटेगरीज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस अवेयरनेस ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ बायोस्टिमुलेंट इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। सो द वन इन दिस वीडियो इज